हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम नीता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, रिसेंटली हमने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था जो वायरल हुई थी वीडियो। उस लड़के का नाम था अबू अबू बकर। बकर, हाँ, जिसको इमरान खान से मिलना था। सो हमने उस वीडियो पे रिएक्शन दिया था मीटिंग वाले टाइम पे, वो जब मिले थे। सो अभी हमें एक और वीडियो मिली है जो कि उसी से रिलेटेड है, अबू बकर से ही रिलेटेड है, और हम एक्साइटेड है हमें, क्योंकि हमें उनके थॉट्स जानने की वो क्यों इतना ज्यादा मतलब रो रहे थे, और हाँ। क्यों इतना ज्यादा मतलब मिलना चाहते थे, क्या रीजन है, ये सब हमें चीजें जाननी थी। सो हमें उसी से रिलेटेड एक वीडियो मिली, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पे रिएक्शन ही दे दें। सो पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है इमरान खान से मिलने के बाद अबू बकर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सो गाइस, इस इंटरव्यू में आई थिंक सारी चीजें उन्होंने कवर की हाँ। होंगी। सो आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि उन्होंने सारी चीजें बताई हैं, और अरे जिस छोटे बच्चे हैं, इनको थॉट प्रोसेस जानना हाँ कि मुझे क्या उन्हें हाँ ऐसी चीज पसंद आई इमरान खान ने इमरान हाँ खान पे, तो ये तो भी बहुत इतना इंटरेस्टिंग ज्यादा होगा। लोग इतना ज्यादा वो रो रहे थे, और हाँ। इतना ज्यादा लोगों ने उनकी वीडियो को देखा। सो ये सब हमें पता चलेगा। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अब तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुझे आप सबको अल्लाह के बाद एक बार इमरान खान से मिला। एक करोड़ की सबसे पहली बोली लगी थी, अभी 6 करोड़ की लग गई। सर मैंने अभी तक धोया नहीं है ये शर्ट, सिग्नेचर शर्ट। ये शर्ट जब फ्रेम पे लगाऊंगा तो अपने बाल भी कटवा के उसके साथ रखता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि इस पर किसी और का हाथ ना लगे, इमरान खान साहब का हाथ लगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट, मेरा नाम दानिश हुसैन। तो जनाब, आज मेरे साथ नन्हे कप्तान मौजूद है। नन्हे कप्तान के नाम से अबू बकर मशहूर ही हो गए हैं, और ये इनकी शर्ट और ऑटोग्राफ और इनकी मुलाकात, और उससे पहले जो ये रो रहे थे एबटाबाद जलसे में जहाँ हमारी इनसे मुलाकात हुई थी, और उसके बाद वो मुलाकात की कहानी बड़ी गाला पे पहुँच के ख़त्म हुई थी। कहानी थी क्या, कैसे ये मुलाकात हुई, उस दिन वहाँ हजारों कतार क्यों रो रहे थे, और क्या ये वाकई लकी मरवत से हैं या एबटाबाद से हैं, ये सारी बातें हम इन्हीं से जानते हैं। खुश हैं अब? बस बयान नहीं कर सकते अपनी खुशी। अच्छा, बिल्कुल यकीन था हो जाएगा? क्यों नहीं था, यकीन तो था। मैंने आपको उस दिन कहा था कि मुझे यकीन है, मेरा दिल कह रहा है कि इंशाल्लाह मिलूंगा, और मिल गए। तो आपसे जो वादा बार बार मुझसे ले रहे थे उसमें अब आपको यकीन आ गया कि ठीक था वो वादा? क्यों नहीं, यकीन आ गया। वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी आपका ही मुझे बोला था कि मैंने इनकी दानिश भाई की वीडियो देख के आपको आपसे कॉन्टेक्ट किया, और उनसे मैंने पूछा कि आप कौन सा, यानी आप कौन से चैनल से देखते हैं, उन्होंने बोला उर्दू पॉइंट। जी, तो इसी वजह से आप फिर बनीगाला भी पहुंच? जी बस ये तो आपकी वजह से पहुंच गया बनीगाला। अच्छा, इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई, जो आपका ख्वाब थे, उस वक्त क्या फीलिंग थी? यकीन आ रहा था या ऐसे लग रहा था कि शायद कोई ख्वाब है? बिल्कुल ख्वाब की तरह दिख रहा था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सच में अपनी जान के साथ अपने महबूब के सामने खड़ा हूँ, और बस बयान नहीं कर सकता वो खुशी अल्फाज में। तो जब मुलाकात हुई क्या क्या बातें हुई, खान साहब ने आपसे क्या कहा? बस उन्होंने कहा कि अपनी तालीम पर, पढ़ाई पर जोर लगाओ, मेहनत से, दिल से पढ़ाई करना, और इंशाल्लाह उनकी बात को रद्द नहीं करूँ, उनको कभी नाराज नहीं करूँगा इंशाल्लाह उनको। आपने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं खान साहब से मिलना चाहता हूँ, तस्वीर बनाना चाहता हूँ, बगलगीर भी हुए, गले भी लगाया, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं किस, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैं समझा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि अपने खान के सामने मैं खड़ा हूँ। और जैसे ही मैं इंटर हुआ तो उधर इमरान इस्माइल साहब जो कि गवर्नर है और असद उमर साहब भी बैठे हुए थे, तो इमरान इस्माइल साहब ने मुझे बॉटल दी, और मैं काम पर आता जब जैसे ही इंटर हुआ उन्होंने मुझे बॉटल पानी की, मैं पी रहा था, बस वो हिल रही थी और नीचे गिर रही थी और पी रहा था, तो सर ने उनको कहा कि ही कांट बिलीव दैट ही इज़ इन फ्रंट ऑफ इमरान खान, कि इसको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि इमरान खान के सामने, तो बस ऐसी कुछ कैफियत थी कि बयान नहीं कर सकते। कितने मिनट की मुलाकात थी तकरीबन?
एक मिनट और 52 सेकंड जो कि मेरे लिए बहुत कम थी, लेकिन दिन ईद की तरफ अभी बकर आपकी शर्ट काफी फेमस हो गई, जगह ये तस्वीर है, ऑटोग्राफ है इमरान खान साहब का, यकीनी तौर पर ये आपके लिए बड़ी कीमती होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कुछ जगहों पर आ रहे हैं कि आपको ऑफर्स भी आ रही हैं, इस शर्ट की बोली लग रही है, क्या हकीकत ऐसा है कोई? बिल्कुल ऐसा ही है, 1 करोड़ की सबसे पहली बोली लगी थी और अभी जो आपके आने से पहले 6 करोड़ की लग गई, लेकिन दुनिया की जो 7 तहों से निकाली हुई ये जो जेवरात आप भी ले आए ना मेरे सामने रख लें, दुनिया में जितनी भी दौलत है मैं फिर भी इमरान खान की ये सिग्नेचर शर्ट में उनको किसी को भी नहीं बेचूंगा। हाँ, बेचने का इरादा इंशाल्लाह अगर बना तो फिर जितने में भी मैं इसका ऑक्शन करूंगा, जितने में भी ये बिक गई तो उसका डोनेट करूंगा मैं शौकत खानम में इंशाल्लाह। जिस दिन हमारी मुलाकात भी हुई थी एबटाबाद जलसा हो रहा था, अब मैं देख रहा था आप जारो कतार रो रहे थे, कितनी देर से, क्योंकि उसके बाद हम तो चले गए थे, आपसे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हुई, बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन अब देखने वालों को ज़रा बताएं कितनी देर से आप रो रहे थे, क्योंकि आप हलकान थे, हुआ क्या था उस दिन? बस उस वक्त तो मैं अपने खान से नहीं मिला और मुझे बहुत ज़्यादा गम था उसका, किसी ने मिलने नहीं दिया, मैं कई वो मीडिया कैबिन्स के पास गया, बहुत बड़े बड़े जिन नामवर चैनल्स के पास गया, नाम नहीं लेना चाहता लेकिन बहुत बड़े चैनल, उनके केबन में गया, उन्होंने मुझे उनको मैंने बोला कि आपको खुदा को वास्ते मेरी इमरान खान साहब तक आवाज़ पहुँचाने से प्लीज़, उनको मैं हाथ जोड़ कर ये बोला कि मेरी इमरान खान साहब तक सिर्फ आवाज़ पहुँचा दें, उन्होंने तो सही जवाब भी नहीं दिया और मुझे वापस भेज दिया, तो फिर मैं इधर उधर ही जलसागा में रो रहा था कि आप मेरे पास आए माइक लेकर और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी आवाज़ इधर सुनी गई थी बनीगाला में, तो मैं जब आपने इंटरव्यू लेके आप मुझसे चले गए तो मैं मुतमईन हो गया था कि इंशाल्लाह अभी मुझे यकीन है कि मिलूंगा अपने खान। ये तो आपके नसीब में था, आपकी किस्मत थी, और खान साहब और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जाहिर है उनका ये काम था कि उन्होंने आपको वहाँ तक पहुँचाया। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने अभी पहले भी बात करते हुए बताया कि खान साहब ने आपको कहा कि पढ़ो, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्या ख्वाब है? मैं इंशाल्लाह पहले तो इमरान खान साहब ने जो मुझे बोला है वो तो रद्द नहीं करूँगा कि उनको खफा नहीं करना चाहता, और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और आपने बोला कि बड़े होकर क्या बनेंगे, मैं बड़े होकर इमरान खान इंशाल्लाह बनूंगा। पॉलिटिशियन बनना चाह रहे? बिल्कुल पॉलिटिशियन बनूंगा और इमरान खान बनूंगा, पॉलिटिशियन तो हर कोई है लेकिन इमरान खान जैसे बहुत कम है। उस दिन आपने इंटरव्यू में कहा कि आप लकी मरवत से आए हैं, लेकिन अभी हमारी मुलाकात भी एबटाबाद में हुई है, यहाँ आके पता चला कि आप एबटाबाद ही रहते हैं, इसलिए हम आए दोबारा आपके पास। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी एतराज़ कर रहे हैं और ज़रा भी बता रहे हैं जो इधर उधर मालूम हो रहा है, वो ये कह रहे हैं, इल्ज़ाम कर रहे हैं कि जी आपने झूठ बोला है, आपने ड्रामा किया है, आपका ताल्लुक लकी मरवत से नहीं है, आप तो एबटाबाद के हैं और यहीं से जलसे पे गए थे, क्योंकि आपने वहाँ कहा था ना कि भूखे प्यासा मैं लकी मरवत से आया हूँ, तो कहानी है क्या? बेसिकली हम लकी मरवत के हैं, हमारा आबाई गांव लकी मरवत है, हम इधर एबटाबाद में भी अपना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, हम इधर कई सालों से इधर ही रहते हैं, और ये जो लोग कहते हैं बस इनको आधी आधी बात पता होती है और इनको अपनी रेटिंग्स बढ़ाने की चक्कर में। उस दिन आप आए कहाँ से थे एबटाबाद? मैं लकी ईद मनाने ईद की छुट्टियों पर अपने गांव गया था और अपने गांव से मुझे बहुत प्यार है, मैं कभी भी वापस ऐसे बिला वजह नहीं आया, लेकिन शाम का वक्त है जब मुझे पता चला कि इमरान खान साहब आ रहे हैं एबटाबाद, तो एबटाबाद में तो घर भी है, मुझे आसानी हो गई, तो मैं उस शाम को ही रवाना हुआ और 2 बजे इधर पहुंचा और मुलाकात के लिए आया था, लेकिन देखना भी नसीब। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप ईद की छुट्टियों पर थे और आए उस दिन आप जनवन लकी मरवत से ही थे, वो सच था? बिल्कुल सच था। और मैं तो खुशी के मारे ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था उधर जलसा गा तक, और इतनी खुशी थी ना, और जब तक मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई थी ना, मैं हर रात अल्लाह से ये दुआ करता था कि या अल्लाह इमरान खान से मिले बगैर मुझे मौत नहीं देना, या अल्लाह इमरान खान से मिले बगैर मुझे मौत नहीं देना, हर रात में करता था, बस रात को नींद नहीं आती थी, जो खुशी मुझे हो रही थी ना, और मुझे यकीन था कि इंशाल्लाह मिलूंगा उनसे। आज पेपर मैं दे रहा था, आंखों से आंसू आने लगे और पेपर पे गिर गए, तो सारा सर को मैंने बता दी कि इमरान खान साहब की याद आ रही है, और बस वही याद करता हूँ कि जब वो आए और मेरे इधर शोल्डर पर हाथ रखा, इधर सर पर हाथ रखा, सर मैंने अभी तक धोया नहीं है।
अच्छा नहीं दे, और इंशाल्लाह इरादा तो ये कि जब ये शर्ट सिग्नेचर शर्ट ऑटोग्राफ जिस पे दिए ये शर्ट जब फ्रेम पे लगाऊंगा तो अपने बाल अभी कटवाने जा रहा था कि आप लोग रास्ते में आ गए तो बस बाल भी कटवा के उसके साथ रखता हूँ क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि इस पर किसी और का हाथ ना लगे, इमरान खान साहब का हाथ लगे और दोनों नहीं। शर्ट को भी आप फ्रेम करना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह, ये भी एक दावा करना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की सरबराही भी इंशाल्लाह करूँ। इस वक्त इमरान खान साहब को हमारी ज़रूरत है, इनके मुश्किल वक्त में हमारा साथ देना चाहिए क्योंकि वो अकेले निकले हमारे लिए जदोजहद करने के लिए। और दूसरी बात उनकी ये अच्छी लगती है कि कौन छोड़ता है अपने बच्चों को अपनी मुल्क के खातिर, कौन छोड़ता है, अपने घर बार सब कुछ ख़त्म कर लिया उन्होंने पाकिस्तान हमारे लिए, पाकिस्तान हमारे लिए। और बच्चों से तो बाप की एक ऐसी लगन होती है ना कि वो तो आपको भी सबको पता होगा, बस उन्होंने अपने बच्चों को हमारे लिए छोड़ दिया, इस वजह से मैं उनको बस पसंद करता हूँ और प्यार है उनसे मुझे। बहुत शुक्रिया अबू बकर। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे, अल्लाह ने के बान। सो गाइस, ऐसा फैन हमने कोई भी एक्टर का नहीं देखा, कोई भी सुपर हीरो का नहीं देखा, क्योंकि जिस तरह से वो इस इंटरव्यू में भी वो इतना ज्यादा खुश, इतना ज्यादा यू नो हमें वो चीज दिख रही थी। और काइंड ऑफ ये इनके रोल मॉडल हैं, जैसे इन्होंने बोला, मतलब बोला नहीं बट काइंड ऑफ यही बोल सकते हैं कि हाँ ये यही बनना चाहते हैं अब आगे कि मैं भी इमरान खान ही बनूंगा। पॉलिटिशियन मिसिंग उनका अब एम हो गया है। बट गाइज लाइक जैसे इन्होंने बोला कि इमरान खान में इनको पसंद क्या है, कि इनको ये पसंद है उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी पूरी फैमिली छोड़ दी। सो वो मतलब वो चीज उनको सबसे ज्यादा पसंद आई है अबू बकर को, कि उन्होंने सबको छोड़ दिया किसके लिए, पाकिस्तान की जनता के लिए। और मैं ये देख के हैरान हूँ कि वो बस 9th क्लास में है और उनकी ऐसी सोच है, मतलब जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे बहुत ज्यादा मैच्योर्ड लग रहे थे, मतलब जिस तरीके से उनकी भी थिंकिंग है, क्योंकि इस टाइम पे 9th क्लास में जो पढ़ रहे होंगे ना इंटरेस्ट इतना इंटरेस्ट होता ही नहीं है पॉलिटिक्स में, और ये इतने बड़े फैन, जो मुझे लग रहा है बड़े बड़े फैन को भी पीछे छोड़ दे। यार मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कोई फैन देखा, मैंने भी नहीं देखा। एंड जिस तरीके से, और सिर्फ वही फैन नहीं है जैसे वो बोल रहे हैं कि जो जिस में उन्होंने साइन किया है, जिस कुर्ता में उन्होंने साइन किया है उसकी अभी उनको लास्ट ऑफर 6 करोड़ का है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब उनको तो चांस मिल गया बट ऐसे उनके एक साइन किए हुए उसको भी लोग इतने मतलब किसी भी अमाउंट में खरीदना और चाहते हैं। साथ में उनकी मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि मैं ये चीज मतलब वो कभी भी ये बेचेंगे नहीं, बट अगर कभी कुछ हुआ उन्होंने कभी भी इसको बेचा तो ऑक्शन करेंगे और वो भी डोनेट करेंगे, वो भी डोनेट करेंगे। आई थिंक उन्होंने कुछ नाम लिया था बट वो आई थिंक कोई चैरिटी, आई थिंक हाँ वही है। तो बट ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटे एज मतलब है उनकी, बट सच में सोच उनकी बहुत बड़ी है, क्योंकि है ना सच में काफी मैच्योर है वो मेंटली, है ना मेंटली काफी मैच्योर है। सच में ये इंटरव्यू देख के मजा आ गया सच में। पहले कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है किसी पॉलिटिशियन के लिए, तो खास कर नहीं देखा कि कोई मतलब पीएम के लिए इतना कोई क्रेज, इतना किसी के अंदर मैंने अभी तक कहीं ना सुना ना कहीं कभी देखा, पहली बार ऐसी कुछ चीजें देखी है। तो देखकर बहुत बहुत अच्छा लगा। और इमरान खान को भी यार हर बार उनकी हम उनसे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखते तो रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाती है कि लाइक ऐसे फैंस हैं, ऐसे तो किसी मतलब मूवी हीरो हीरोइन इनके भी नहीं होते, एक्टर एक्ट्रेस के भी नहीं होते हैं। सो बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगा देखकर। आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो चैनल को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।